नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से पिछड़ गई थी। और अब इस सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पहले दिन टॉम लैथम ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 259 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 200 रन भी नहीं बना सकी और 156 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम के पास 103 रनों की लीड बची थी, जिसके बाद दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 198 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे और भारत पर 301 रनों की लीड बना ली थी, जहां कीवी टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ डीडीएच बना ली थी और क्रीज पर टॉम ब्लंडेल 30 रन के साथ और ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर जमे हुए थे, जिसके बाद तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और दोनों ही बल्लेबाज मैदान में उतरे और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लीड को आगे की ओर बढ़ाने लगे। भारतीय टीम की तरफ से जडेजा ने गेंदबाजी की शुरुआत की और सिर्फ 1 रन दिया। दूसरी तरफ से अश्विन गेंदबाजी करने आए और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक बेहतरीन चौका लगाया और टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। वहीं पांचवीं गेंद को भी ग्लेन फिलिप्स ने मिड ऑफ की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। ग्लेन फिलिप्स बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टॉम ब्लंडेल भी उनका शानदार साथ देते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। इन दोनों के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। वहीं अगला ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर भी ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर बेहतरीन चौका डीप पॉइंट की तरफ कट शॉट के जरिए लगाया। इन दोनों की बल्लेबाजी के दम पर अब न्यूजीलैंड की टीम बेहतरीन बढ़त हासिल कर चुकी थी। वहीं अब टॉम ब्लंडेल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने रविंद्र जडेजा के ओवर में एक बेहतरीन चौका थर्ड मैन की तरफ लगाया, लेकिन इसी ओवर में जडेजा ने न्यूजीलैंड की टीम को झटका दिया और तीसरी गेंद पर टॉम ब्लंडेल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। टॉम ब्लंडेल 41 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे और उन्होंने अश्विन की गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला। हालांकि सेंटनर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 64वां ओवर लेकर आए। जडेजा ने उन्हें जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां सेंटनर सिर्फ 4 रन ही बना पाए, जिसके बाद टिम साउदी मैदान में उतरे, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं खेल पाए और अगला ही ओवर लेकर आए। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें अपना शिकार बनाया, जहां अश्विन ने टिम साउदी को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन लौटा दिया। साउदी का खाता भी नहीं खुला और वह आउट हो गए, जिसके बाद एजाज पटेल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन यह भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और इन्हें रविंद्र जडेजा ने वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह भी 1 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विलियम ओरॉर्की मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स जमे हुए थे, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा था और उन्होंने अश्विन के ओवर में मिड विकेट की ओर ताकत भरा शॉट लगाया और गेंद को छक्के के लिए मैदान के बाहर भेज दिया। फिलिप्स यही नहीं रुके और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोका और टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स 2 रन लेने के लिए भागे, लेकिन विलियम ओरॉर्की को सुंदर और जडेजा ने मिलकर रन आउट कर दिया और यहां पूरी न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई। इसी के साथ न्यूजीलैंड टीम की दूसरी पारी 255 रनों पर समाप्त हुई और भारतीय टीम के समाने जीतने के लिए 359 रनों का लक्ष्य था, जिसे हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि बल्लेबाजों को इस पिच पर खेलने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में दूसरी पारी की शुरुआत करने कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जयसवाल मैदान में उतरे, जहां लक्ष्य बड़ा था, तो
तो इन दोनों ही के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने ही अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और टिम साउदी के पहले ही ओवर में यशस्वी जयसवाल ने दूसरी गेंद पर एक छक्का पुल शॉट के जरिए लगाया और अपने इरादे साफ कर दिए कि यहां से वह रुकने वाले नहीं हैं। वहीं अगली ही गेंद पर जयसवाल ने पॉइंट की ओर पंच करके चौका जड़ दिया। इस ओवर ने जयसवाल ने 10 रन बनाए। वहीं अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा ने भी अपना इंटेंट बता दिया था कि वह ऐसे ही तेज बल्लेबाजी करेंगे, एक तरफ से रोहित तो दूसरी तरफ से। जयसवाल बड़े शॉट खेल रहे थे तो वही तीसरा ओवर लेकर आए थे। टिम साउदी की पहली ही गेंद पर भी जयसवाल ने ड्राइव के जरिए चौका जड़ दिया था। जयसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित शर्मा भी उनका साथ निभा रहे थे और 5 ओवर में इन दोनों ने बोर्ड पर 30 रन लगा दिए थे। लेकिन 6वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया और रोहित शर्मा को कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन ही बना पाए और 34 रन पर भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट खोया, जिसके बाद शुभमन गिल मैदान में उतरे और जयसवाल का साथ निभाने लगे। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएं, जहां शुभमन गिल ने एजाज पटेल के ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वही जायसवाल दूसरी तरफ बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 8वें ओवर में मिचेल सेंटनर की पहली ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। जायसवाल और शुभमन गिल के बीच अब बेहतरीन साझेदारी बनने लगी थी। ऐसे में अगला ही ओवर लेकर एजाज पटेल की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर बेहतरीन चौका लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया। इन दोनों के द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, जहां जायसवाल तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और 10वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर की दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया। वही यशस्वी जायसवाल यही नहीं रुके और अगला ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने छक्के के लिए बाल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। जायसवाल के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। वहीं दूसरी तरफ गिल भी अपने बेहतरीन लय में थे, जहां 12वें ओवर में शुभमन गिल ने मिचेल सेंटनर की पहली ही गेंद को चौके के लिए मैदान के बाहर भेज दिया था। ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को आसानी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं 15वें ओवर में जायसवाल ने ग्लेन फिलिप्स को 2 चौके लगाए और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जहां भारतीय टीम को 16वें ओवर में जाकर एक और बड़ा झटका लगा और मिचेल सेंटनर ने शुभमन गिल को कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां शुभमन गिल 23 रन बनाकर आउट हुए और विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां विराट कोहली ने ओवर की आखिरी ही गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और 17वें ओवर में भी उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को 2 चौके जड़ दिए। वहीं विराट कोहली भी जायसवाल का बेहतरीन साथ निभा रहे थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने 21वें ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके एजाज पटेल को लगाए, लेकिन 127 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा और मिचेल सेंटनर ने डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां जायसवाल 77 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन ऋषभ पंत आज अनलकी रहे और उन्हें टॉम ब्लेंडल और मिचेल सेंटनर ने मिलकर रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां पंत बिना खाता खोले आउट हुए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां विराट कोहली अब अपनी निगाहें जमा चुके थे और 25वें ओवर की 4थी गेंद पर एजाज पटेल को उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया, जहां सुंदर भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और 26वें ओवर में उन्होंने एक बेहतरीन चौका मिचेल सेंटनर की गेंद पर लगाया। लेकिन 30वें ओवर में जाकर भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लगा और मिचेल सेंटनर ने कोहली को LBW आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विराट कोहली 17 रन बनाकर आउट हुए
और भारतीय टीम ने 147 रन के स्कोर पर अपने 5 बड़े विकेट खो दिए थे, जिसके पास सरफराज खान बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ बोस इंटर सुंदर ने 33वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक चौका लगाया, जहां सरफराज खान का ने अपने हाथ खोले और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल सेंटर को एक बेहतरीन चौका लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां भारतीय टीम ने 32 ओवर में 1909.5 रन बना लिए थे। वहीं 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा और सरफराज खान मिचेल सेंटनर की गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो गए। सरफराज खान मात्र 9 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए। रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह सुंदर के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को जिताएं। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन, सुंदर को ग्लेन फिलिप्स ने कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां वॉशिंगटन सुंदर मात्र 21 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे और उन्होंने 40वें ओवर में मिचेल सेंटनर को 2 चौके लगाए और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। वहीं इन दोनों ने मिलकर 48वें ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 50वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा और मिचेल सेंटनर ने ही रविचंद्रन अश्विन को डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां अश्विन 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद आकाशदीप मैदान में उतरे और जडेजा का साथ निभाने लगे। जडेजा अब अपने हाथ खोलने लगे थे और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर पुल शॉट के जरिए एक बेहतरीन चौका जरा जडेजा यही नहीं रुके और उन्होंने अगले ही ओवर में सेंटनर को भी चौका लगाया। एक तरफ जडेजा जमे हुए थे लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिर रहे थे, तो वहीं एजाज पटेल ने आकाशदीप को कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को एक और झटका दिया। आकाशदीप बिना खाता खोले आउट हुए, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने मिचेल सेंटनर के ओवर में पहले छक्का लगाया और अपना खाता खोला। वह यहीं नहीं रुके और अगली ही गेंद पर एक चौका भी लगाया, लेकिन अगला ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने 61वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को टिम साउदी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन लौटा दिया, जहां रविंद्र जडेजा 42 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम 245 रन ही बना पाई और ओएन आउट हो गई। इसके साथ ही भारतीय टीम 113 रनों से यह मुकाबला भी हार गई, साथ ही 2-0 से सीरीज को गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही है और इस मुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।